महाशिवरात्रि के अवसर पर महामंडलेश्वर जगतगुरु स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज जी ने समन्वय सेवा केंद्र में भगवान शिव की विधिवत आराधना की, साथ ही संपूर्ण संस्कार धानी वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। बताइए, आज का दिन षष्ठी के महत्वपूर्ण उत्सव का दिन है। शिव पुराण और भगवान शंकर से संबंधित समग्र साहित्य में जो वर्णन मिलता है, ये सारी की सारी षष्ठी जिसे हम पृथ्वी ब्रह्मांड कहते हैं, इस पृथ्वी ब्रह्मांड के संकल्पकर्ता, इसके सृजनकर्ता और इसके भिन्न भिन्न प्रकार के उपादानों के रचयिता भूत भावन भगवान शंकर हैं। और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन भगवान शंकर के स्वयं के प्राकट्य होने का दिन है, इसलिए सृष्टि के नियामक नियंता का यह उत्सव दिन है और इसलिए इसको भारतीय अध्यात्म जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस माना गया है, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में सारा विश्व जानता है। आज के दिन पूरे विश्व में भगवान शंकर की आराधना हो रही है, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रीति से भगवान शंकर की आराधना में षष्ठी के समस्त जीव इस समय लगे हुए हैं और भगवान शंकर उन सबका अभीष्ट वरदान देने के लिए प्रसन्न हैं। अनेक पुराणों में अनेक प्रकार के कथानक आते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज का दिन भगवान शंकर के विवाह उत्सव का दिन है। कुछ भी हो, सृष्टि के नियामक नियंत्रणकर्ता का यह महत्वपूर्ण दिवस है और संसार के सभी लोग भगवान शंकर की कृपा के आकांक्षी हैं। इस दृष्टि से हम जावालीपुरम, जावाली ऋषि की नगरी, इस जबलपुर में नर्मदा के तट पर अनेक शिव मंदिरों में और अनेक प्रकार के जो सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर हैं उनमें भगवान शंकर की आराधना का ये क्रम चल रहा है। और सौभाग्य है इस संस्कारधानी का कि नर्मदा यहाँ निरंतर प्रवाहित होती है और नर्मदा के गर्भ में जितने कंकड़ हैं वे सब के सब शंकर कहे गए हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने नर्मदा को वरदान दिया कि जब तुमने प्रतिज्ञा ही कर लिया है कि तुम आजीवन ब्रह्मचारिणी रहोगी, अगर तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम्हारे पति तुम्हारा संरक्षण करते, किंतु अब तुमने आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता जनक होने के नाते मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूँ और तुम्हें बहुत सारे वरदान देता हूँ। उन वरदानों के क्रम में नर्मदा को ये वरदान मिला है कि इसके गर्भ में जितने कंकड़ होंगे वो सब शंकर स्वरूप होंगे और इसलिए नर्मदा तट निवासियों का यह विश्वास है कि हम नर्मदा में हाथ डालते हैं, जो कंकड़ जो पत्थर हमारे हाथ में लगता है वही चैतन्य शिव होता है। और इस प्रकार से आज चैतन्य शिवलिंग और अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का जो शिव पुराण में वर्णन आता है उनके सबके पूजन का क्रम है। विशेष रूप से पार्थेश्वर शिवलिंग का भी आज के दिन महत्व है। पार्थेश्वर शिवलिंग प्रतिदिन पूजा जाता है, प्रतिदिन उसका विसर्जन किया जाता है। भगवान शंकर सृष्टि के आदि देवता हैं, इसलिए उनका आह्वान भी होता है शिवलिंग में, उनका विसर्जन भी होता है, परंतु वे तो अनादि और अनंत हैं, इसलिए उनके आह्वान का और उनके विसर्जन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आज का दिन पूरे रात और दिन जितने याम और जितने पहर हैं उसमें उपासना का महत्व है। और सबसे बड़ी बात, भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि संसार के जितने जीव हैं उन सबको मैं अपने पूजन का अधिकार देता हूँ। इसलिए आज के दिन जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर का पूजन और अभिषेक करते हैं और उनके सामने जो अपना अभीष्ट है, उन्हें जो चाहिए वो उनसे निवेदन करते हैं, तो भगवान शंकर अपना अभीष्ट पूरा करते हैं। इस प्रकार ये भगवान शंकर की उपासना का परम पावन दिवस है।